दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटाने के लिए भारतीय टीम में लौटा सूर्य कुमार यादव का भी बाप, जबकि ये खिलाड़ी अकेले दम पर भारतीय टीम के लिए तीसरा वनडे मुकाबला जिताने का हौसला रखता है। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है सूर्य कुमार यादव कितने भयंकर खिलाड़ी हैं T20 में, मगर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने पहले ODI मुकाबले में 0 रन बनाए थे तो वहीं दूसरे ODI मुकाबले में भी 0 रन पर ही आउट हुए थे, जबकि सूर्य कुमार यादव T20 में तो हीरो हैं मगर ODI में 0 हैं, जबकि भारत ने इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। मगर दोस्तों अब बारी है तीसरे वनडे मुकाबले की, जबकि तीसरा वनडे मुकाबला 22 मार्च वाले दिन चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव से भी भयंकर खिलाड़ी की वापसी करा दी है। गाइस आपको बता दें तीसरे वनडे मुकाबले से सूर्य कुमार यादव बाहर हो सकते हैं और इनके रिप्लेसमेंट पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है, जबकि संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ 3 ODI मैचों की सीरीज अकेले दम पर भारतीय टीम को जिता रखी है और संजू सैमसन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर भारतीय टीम को जिताने का हौसला रखते हैं। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या तीसरे वनडे मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं।